आपने रामायण तो कई बार देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने रावण के सिंहासन के नीचे एक नीला व्यक्ति को पेट के बल लेटा देखा है? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं कि यह नीला व्यक्ति कौन है। दरअसल रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था। एक बार रावण ने सभी 9 ग्रहों को हराकर अपने अधिकार में कर लिया, जिसके बाद वो सभी ग्रहों को मुंह के बल लेटाकर अपने पैरों के नीचे रखा करता था। कहते हैं जब रावण का पुत्र पैदा होने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रहों को शुभ स्थिति में रख दिया था। कुंडली में हर ग्रह रावण के हिसाब से चाल चलने लगा था, लेकिन एकमात्र शनिदेव बार बार अपना स्थान बदल रहे थे। इससे उनके पुत्र के जीवन में बड़ी समस्याएं आ रही थी। तब रावण ने शनिदेव को अपने वश में करके उन्हें अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। कहते हैं फिर भी न्याय के देवता शनि ने अपनी मार्ग दृष्टि से रावण की दशा खराब कर दी थी, इसलिए रावण ने शनिदेव को कारागार में डाल दिया और उस कारागार के द्वार पर शिवलिंग को इस प्रकार रख दिया कि उस पर पांव रखे बिना शनिदेव भाग नहीं सके। लेकिन कहते हैं जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका आए थे, तब उन्होंने शनिदेव को यहाँ अपने सर पर बिठाकर लंका से मुक्त कराया था।